कृष्ण लागे छे। वाओ हाय ये जोई भी प्राण नाम देखो ना कि खाता जय श्री कृष्ण। यार क्या बात है, यानी अच्छा इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो रहे, ऐसी थोड़ी कहा। आप लोग भी सब खाना बिना खाना रहने का सब है ना। थैंक यू सर, सब लोग के लिए है ना खाना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। और मतलब इतना हैवी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पहना होता है, हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती है। 107 बिलियन। तो आपको क्या लगता है इतनी ज्यादा? इतनी ज्यादा वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इतनी ज्यादा होगी। मैं तो फुल शॉक हो गई कि इतनी ज्यादा। आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर, उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का CEO आ रहा है। फिर वो इतने अमीर कैसे हो गए? मुझे भी वही काम करना जो वो करते हैं। भारत का वो धन कुबेर जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भारतीय उद्योगपति जिनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे मुकेश भाई 6,86,250 करोड़ रुपए के मालिक जो ठहरे। ये इतनी दौलत है कि बंदा चाहे तो दुनिया के 50 से भी ज्यादा ऐसे देशों को खरीद सकता है जिनकी समूची अर्थव्यवस्था भी मुकेश अंबानी की दौलत से कम है। सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब। ये बात ये की कि मैंने सीधा जाने ही अंबानी अंकल के घर है। अंबानी यार बुला लो इन्हें, ये यहाँ पर सदमे से पागल हो ही पड़ी है। आपको पता है कि मुकेश अंबानी के बेटे की, छोटे बेटे की शादी होने वाली है और प्री वेडिंग पार्टियां चल रही है और उसमें विल ग्रेट्स और फेसबुक के मालिक कतर के PM, मतलब तमाम तरह के लिनियर्स मिलियर्स आ रहे हैं इस पार्टी में। और पाकिस्तान इस पार्टी को देख के छातियां पीट रहा है, हाय तौबा मचा रहा है कि हाय अल्लाह ये लोग मतलब शादियों पे इतने खर्चा कर रहे हैं, इतना तो हमारे पाकिस्तान में कर्जा है। काश ये एक शादी का पैसा हमारे पाकिस्तान को दे देते तो हमारा कर्जा उतर जाता। आपको बताया कि जिस तरीके से नीता अंबानी की बर्थडे पर 250 करोड़, उनकी बेटी की शादी पे 850-900 करोड़ और अब बेटे की शादी है 1,000 करोड़ से ज्यादा इस वेडिंग में खर्चा होने वाले हैं और पाकिस्तानी लड़कियां ये देख के पागल हुई जा रही है सदमे में। देखिए इस वीडियो। जमनपुर के अंदर हमारे जो नानी साहब है उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर, उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का CEO आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे तो फिर देखें। ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू, पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है, कानून एस्टेब्लिश होता है, लीडरशिप होती है, एक टीम वर्क होता है, सारा कुछ एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन ये चाहिए, कोशिश करें कि आप कहीं से तो शुरू करें, कहीं से नफरत को एक दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें आप, तो देखें कि यहाँ आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन घर किसका? मेरा। ओ माशाल्लाह क्या बात है बोनस की। मैं आपकी बात नहीं कर रहा यार, मैं बोनस की बात ही, आपने बोले अमीर घर किसका है, तो अमीर घर मेरा है। मेरे घर में सबसे बड़ा और अमीर तरीन घर कौन से आदमी का है? आदमी का पूछ रहा हूँ मैं। मेरे बाप का। मेरे बाप का घर है। बी सीरियस यार। ओके सीरियस। रो लाग बने। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, आप रोए मत। दुनिया में सबसे बड़ा घर है इंडिया के बाप अंबानी का। मुकेश अंबानी का। आपको पता है कि उस घर के अंदर कितने क्या कुछ है? मैं गई नहीं थी, उन्होंने मुझे बुलाया था तो टाइम। वीडियो से ही पता लगा हमें। होंगे कोई 90-100 रूम होंगे, 90। और उस घर के अंदर चिकोजी, उस घर के अंदर 6th फ्लोर तो खाली पार्किंग के लिए है, उस घर के अंदर पार्टी रूम, उस घर के अंदर जिम, उस घर के अंदर हैली, ऊपर उस घर के छत के ऊपर आपको पता 2 हैलीज लैंड कर सकती है एट ए टाइम और होती हैं। अगर किसी ने बाहर जाना हो, किसी के घर के अफराद के लिए बाहर रश हो, गाड़ी का रश जमा हो, तो वो जा सकते हैं। अब मुझे एक और बात बताएं मुकेश अंबानी की। मुझे ये बताएं आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? आपने मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करनी है? यार काश वो मुझे दे देते, वो मुझे दे देते अपनी बेटी तो क्या बात होनी थी बोनस की। तो वैसे बात कर रहा हूँ मैं, तो जेन्युइन सीरियस बात है कि आपको पता है कि मुकेश अंबानी के कुल नेटवर्थ कितनी होगी? करोड़ों में है यार।
करोड़ों में, अरबों में, अरबों में, अरबों में, बस अरबों में है। 100 बिलियन डॉलर्स, 100 बिलियन डॉलर्स जी बिल्कुल। उसकी नेटवर्थ है सिर्फ और सिर्फ, वो अब हमें भी कैसे देगा, क्योंकि तुम उनकी वीडियो कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें भी देगा। हमें वो नहीं देगा, हमें यूट्यूब देगा, यूट्यूब, यूट्यूब देगा, यूट्यूब की जय हो, यूट्यूब की जय हो, जय हो। सही, तो बताएं कि क्या अगर मौका मिलता है इंडिया जाने का तो जा सकती हैं? मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी और मुकेश अंबानी के घर जाऊंगी। मुकेश अंबानी किसी को घुसने नहीं देता, अंदर 200 लोग बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी से गुजर के जाना पड़ता, कैसे जाओगी? वो सिद्रा अफजल थोड़ी होती है, आप इस दफ़ा उसके घर सिद्रा अफजल जाएगी ना, तो वो इंटर होने देंगे। ओह माय गॉड, पगली अब रुलाएगी मुझे भी। तो कौन से सिटी जाना चाहेंगे इंडिया की? मैं मुझे जाने मैंने अपने वो पायलट को बोलना है कि सीधा मुकेश अंबानी के घर में उतारो मुझे। क्या बात है, जहाज उतारेगा नहीं, घर भी तबाह हो जाओगे और सारे पैसेंजर को भी मरवाओगे अपने साथ। कुछ नहीं तो पैसेंजर को थोड़ी लेके जाना है, इसको लेके जाना है जेट पैक के लिए। जेट लैंड नहीं करता, जेट वो टेक ऑफ करता है। तो वो टेक ऑफ वहीं पे करेगा ना, इसको लैंडिंग बोलते हैं। तो जो भी बोलते हैं वो वहीं पे होगा जाना। मैंने बात ये की कि मैंने सीधा जाना ही अंबानी अंकल के घर है। अंबानी यार बुला लो इन्हें, ये यहाँ पर सदमे से पागल हो गई पड़ी है। पता है इन पाकिस्तानियों की जो हाल हो गई है ना, आपने गली मोहल्ले में आपके आसपास में भी ऐसी आंटियां होती होगी जो दूसरे का देख के मतलब वो होता है ना वो जलन टाइप की कि हाय उसका बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ये कर रही है, उसकी बहू ऐसी है तो उसकी वो है, हमारे घर में ऐसा क्यों है, मतलब खुद कुछ नहीं करेंगे, उसका चुगली लेके उसके घर की बात इधर करना, उसके घर की बात इधर करना। सेम यही कंडीशन अभी के टाइम में पाकिस्तान का हो गया है, कुछ इनसे होता नहीं है। आए दिन रोज भारत ये कर लिया, भारत वो कर लिया, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। यार करो ना, तुमको किसने मना किया है? खुद रहोगे 72 हुड के पीछे, ध्यान रहेगा हमेशा जन्नत पे, और फिर भारत को देख के हमेशा जलते रहोगे। अब अंबानी अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में इतना पैसा खर्चा कर रहा है तो वो तुमसे तो मांगने गया नहीं, तुम तो सबके पास कटोरा लेके भीख मांगने पहुंच जाते हो। वो जब अपने बेटी के शादी में इतने पैसे खर्चा कर रहा है जिससे तुम्हारा पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, तो तुम सोचो कि तुम्हारी औकात कहाँ पर है। और आए दिन यहाँ पे मीडिया पे आके गले फाड़ के बोलते हो कि हम भारत से जिहाद करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक दिन पूरा भारत का पाकिस्तान में मिल जाएगा। सोचो तुम्हारी हैसियत क्या है और बातें तुम लोग कैसी करते हो। बाकी आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।